आज की वीडियो में आपको गौहर खान के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। गौहर खान दिसंबर 2020 में टिकटॉकर जैद दरबार के साथ शादी के बंधन में बंधी थी और गौहर कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण बहुत ही इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधी थी। रिसेंटली गौहर ने अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं जिनको देखते ही फैंस गौहर की प्रेगनेंसी की बात करने लगे हैं। गौहर ने अपनी मदर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेट की है और इस बर्थडे की पिक्चर्स अपने फैंस के साथ शेयर की हैं। गौहर ने इन पिक्चर्स में ग्रे ड्रेस पहना हुआ है जिनको देखते ही गौहर के फैंस का कहना है कि गौहर प्रेग्नेंट लग रही हैं और गौहर का बेबी बम भी विजिबल नजर आ रहा है और कुछ फैंस ने तो इसे गौहर का बेबी शावर ही समझ लिया और उन्हें उनके बेबी शावर और बेबी अनाउंसमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहने लगे। कुछ फैंस का कहना था कि गौहर अपनी चुन्नी से अपने बेबी बम को हाइड भी कर रही हैं, जबकि कुछ फैंस गौहर के बेबी आने के बारे में जानकर काफी एक्साइटेड भी नजर आने लगे। बट ये इवेंट गौहर का बेबी शावर नहीं था, बल्कि ये गौहर ने अपनी मदर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर शेयर की थी और साथ में अपनी मदर इन लॉ के लिए बहुत ही प्यारा सा कैप्शन लिखा था जिसमें गौहर ने अपनी मदर इन लॉ की बहुत ज्यादा तारीफें की थी। गौहर ने लिखा था कि हैप्पी हैप्पी बर्थडे मॉम, यू आर एन एक्सट्रीमली स्ट्रांग वुमन एंड आई एम वेरी लकी टू हैव द कूलेस्ट मोस्ट फन लविंग एंड द यंगेस्ट मॉम इन लॉ। अल्लाह आपके हर ख्वाब को पूरा करे, आपको सेहत अता करे और खुशियों का भंडार हमेशा आप पर बरसाता रहे, आमीन, लव यू। आपको गौहर खान की मदर इन लॉ की बर्थडे सेलिब्रेशंस कैसी लगी और क्या आपको भी गौहर का बेबी बम नजर आ रहा है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।